नमस्कार, सत्यम समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। 14 जून को थाना कुरावली क्षेत्र में एक युवती का शव मक्का के खेत में मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवती की हत्या की गई थी। मृतका के परिजनों की ओर से गांव के ही रहने वाले दो लोगों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी गयी थी। सोमवार को इस हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा हटा दिया है। थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम कुका मई में 20 वर्षीय युवती रूबी का शव 14 जून को गांव के मक्का के खेत में मिला था। रूबी का शव छत अवस्था में मिला था। रूबी के परिजनों की ओर से गांव के ही रहने वाले सुरजीत पुत्र कनौजी लाल व कृष्णकांत उर्फ टीटू पुत्र राम शरण अभिषेक को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने घटना वाले दिन ही सुरजीत की गिरफ्तारी कर ली थी, जिसमें सुरजीत ने पुलिस की पूछताछ में अपना कबूल कर लिया। सुरजीत ने बताया कि पूरा हत्याकांड प्रेम प्रसंगों के चलते किया गया है। पिछले 3 वर्षों से उसके रूबी से प्रेम प्रसंग चल रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले रूबी ने उससे दूरियां बना ली थी और अपने जीजा के मौसेरे भाई उमा शंकर से नजदीकियां बना ली थी। इस बात का विरोध सुरजीत ने किया, लेकिन रूबी नहीं मानी, जिसके बाद उसने अपने दोस्त कृष्णकांत के साथ मिलकर रूबी की हत्या की योजना बना ली और पूरी योजना के तहत 10 जून को रूबी को मिलने के लिए बुलाया और मक्का के खेत में ले जाकर गला दबाकर रूबी की हत्या कर दी। पुलिस ने सुरजीत और कृष्णकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पिछले 2 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी मक्के के खेत में। वो लड़की 10 तारीख से अपने घर से गायब थी। घर वालों ने दो लड़कों पर शंका व्यक्त करते हुए थाने पर हत्या की तहरीर दी, जिसमें मुकदमा कायम हुआ था। पुलिस ने दोनों मुलजिमों को हिरासत में लिया और पूरी जब तहकीकात की सच्चाई से इसे विवेचना की तो तत्व सामने आया कि जो नामित अभियुक्तों में एक तो निर्दोष है, उसके अलावा जो नामित में एक सुरजीत उसके एक साथी ने मिली थी व्यक्ति की हत्या की थी। प्रथम दृष्टया मामला ये पाया गया दोनों की उस लड़के की जो सुरजीत की लड़की से दोस्ती थी और बाद में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे, तो उस नाराज़गी में इन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी। और इसमें सबसे जो खास बात यह है कि दूसरे हत्यारे की भी एक दोस्त है, उससे भी इसकी दोस्ती खटक चुकी है और दूसरे की भी हत्या की इनकी प्लानिंग थी। तो एक तो सही अभियुक्त गिरफ्तार हुए जेल जा रहे हैं और एक निर्दोष की हत्या होने से बच गए। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। प्रवेश प्रारंभ। हमारे स्कूल में साइंस एंड कॉमर्स दोनों की ही सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल, स्केटिंग, बैडमिंटन, स्मार्ट क्लास हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर के टीचरों की व्यवस्था है। छात्रों को लाने और ले जाने बस की व्यवस्था, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था। अमन इंटरनेशनल स्कूल, हमारा पता है नियर श्री धीरेन्द्र कोल्ड स्टोरेज, भामत रोड, मैनप्री। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनप्री। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा। सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं कंसॉर्ट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन। दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन। स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा। अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।